आप सभी मेरे दोस्तों को जय श्री कृष्णा। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? गेस करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को तीन ताल में एक पेशकार बताने वाला हूं, जो कि आप लोग जानते हैं कि तीन ताल में कुल कितने मात्रा होते हैं। दोस्तों यदि आप जानते हैं तो कॉमेंट में बताएँगे, और इनके ताली खाली भी आप लोग हमें बताएँगे। ताकि मैं इसलिए आपसे ये पूछा कि मैं आप लोगों को बहुत सारा लेसन, जैसे कायदा पलटा, रेला, तिहाई, परन, टुकड़ा इत्यादि, ये सब मैं लेसन देता रहता हूँ, तो आप लोग गेस करते हैं कि सीखते होंगे। ठीक है, तो यदि आपको मालूम है तो आप हमें बताएंगे, ठीक है, ताकि हमें भी लगे कि आप लोग हमारे चैनल से आप तबला सीख रहे हैं, तो हमें भी खुशी होता है। और आप लोग हमें कॉमेंट करेंगे तो हमें और भी आनंद आएगा, और भी खुशी आएगा, जिससे कि हम आप लोगों के लिए नया नया कंटेंट इसी प्रकार से अलग अलग ताल का, कायदा, रेला, परन, टुकड़ा, है ना, कहरवा ताल, दादरा ताल, इस सब का लेसन मैं आप लोगों को देता रहूं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को तीन ताल में क्या बताने वाला हूं? पेचकार। अब दोस्तों इस पेशकार के बोल क्या हैं? तो इनके बोल हैं धा क्रधाति धा धा धीना धाति धाति धा धा तीना ता क्रताति ता ता तीना धाति धाति धा धा धीना। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कि आप जानते भी हैं। अब मैं आपको एक बार इस बोल को एक्सप्लेन करके और बता देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को इसे बजाना बताऊँगा बिल्कुल ट्यूटोरियल में कैसे बजाना है। ठीक है, देखिए बोल है धा क्रधाति धा धा धीना धाति धाति धा धा तीना ता क्रताति ता ता तीना धाति धाति धा धा धीना। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे बजाना है। सबसे पहले तो इसमें हमें बजाना है धा। धा को कैसे बजाएंगे? तो धा बजाने के लिए स्याही और लौ के बीच में इस फिंगरों को रखना है। ये वाला फिंगर उठा रहेगा, फर्स्ट फिंगर से चाटी पर आघात करना है, तो ता यहाँ सब क्या हो जाएगी। ठीक है, डगे पर बजाएंगे घे। अब इस घे को और चाटी पर ना, इस दोनों को एक साथ आघात करेंगे तो धा सब क्या हो जाएगी, जो कि आप सुन रहे होंगे। ठीक है, धा धा। अब क्र कैसे बजाना है? तो क्र बजाने के लिए ये जो इस, ये तो आप जानते हैं कि इसे कहते हैं क, इसे क की कत ये सब कहते हैं। ठीक है, तो इसे कहेंगे क, और इसे कहेंगे र, इसे क्या कहेंगे र। र जो बजाएंगे वो बीच में नहीं बजाएंगे। ठीक है, बीच में यदि बजाएंगे तो ये हो जाएगा टे, लेकिन र बजाने के लिए स्याही की ये जो भाग देख रहे, ये यहाँ बजाएंगे र, जो कि आप सुन रहे होंगे। ठीक है, र, तो इस दोनों को एक साथ आघात करेंगे तो हो जाए क्र। ठीक, क्र। ठीक है, धा क्र धाति। ठीक है, धा क्र धाति, धाई हो जाएगा ती हो जाएगा, धा धाति धा धा धी धी धी। कैसे बजाएंगे? लौ पर तीन, डगे पर सात, इस दोनों को एक साथ आघात करेंगे धी। ठीक है, धा क्रधाति धा धा धीना। ठीक है, समझ गए धीना कैसे बजाएंगे। अब देखिए बोल है धाति धाति धा धा तीना। अब देखिए इसे कैसे बजाएंगे। धा तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, धा ये हो जाएगा आपका ती, धा ती ती, स्याही के बीचों बीच बजाना चाहिए, जो कि आप देख रहे होंगे ती, धाती धाती धा 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 बजाएंगे। तो इस प्रकार से इस दोनों का बदला बदले करेंगे, फर्स्ट धा ऐसे, ठीक है, सेकंड धा ऐसे, धा धा। ठीक है, इस सब पे ध्यान रखना पड़ता है। यदि आप इस दोनों को नहीं चलाएंगे, यदि आप एक ही बोल को चलाएंगे तो आगे जो बोल बजाएंगे तो उसमें परेशानी होगा। ठीक है, तो इसीलिए इस दोनों को एक साथ आप लोग भी चलाइए, जिससे कि आगे परेशानी ना हो और हम किसी भी बोल को अच्छे से बजा सके। ठीक है, तो आप भी बजाएंगे इसी प्रकार से, जो कि आपको मैं एक बार और बजा करके दिखा देता हूँ। देखिए धा धा, ठीक है, धा धाती धा धा धीना धाती धा
बिना कैसे बजाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका ती, ती के साथ हम इस क को लगा देंगे तो हो जाएगा ती 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 बना ती ना, ठीक है। धा धा ती धा धा ती धा ती धा ती धा धा ती ना, उसके बाद बजाएंगे ता का, ता कहाँ बजाएंगे चाटी पर, ता जब बजाएंगे तो इस फिंगर को यहाँ ये वाला फिंगर उठा रहेगा फर्स्ट फिंगर से ता, जो कि मैं आपको पहले भी बताया था कि चाटी पर जो है ता एंड ना ही बजाया जाता, ठीक है, ता और ना चाटी पर बजाया जाता, ठीक है, ता क्र, ठीक है, ता क्र ता ती, ठीक है, ता ता ती ना, ये हो जाएगा ती चाटी बना ती ना, ठीक है। ठीक है, हाई हो गया, ती हो गया, धाती धाती धा धा धी ना धी ना, धी कैसे बजाएंगे लो पर तीन डगे पे घोष, दोनों को एक साथ अगर करेंगे धी चाटी बना, ठीक है, धा धाती धा धा धी ना धाती धाती धा धा धी ना, ता धाती ता ता धी ना इसे सीख गया। अब इसे ठा दुगुन और चौगुन करना आप लोग सीखिए। ठा के लिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ठा कैसे कहेंगे, ठा की लय, इसे लय कहते हैं, ठा की लय, ठीक है, ठा की लय किसे कहते हैं, तो ठा की लय कहते हैं एक मात्रा में एक मात्रा बजाने को ठा की लय कहते हैं। जैसे देखिए हम बोल रहे हैं तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, तो ये हो गया ठा के लिए। दोगुन की लय किसे कहेंगे, तो दोगुन की लय कहते हैं एक मात्रा में दो मात्रा बजाने को, जैसे देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, समझ गए। तो इसी प्रकार से चौगुन की लय भी कहते हैं, तो चार बार इसे बजाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे बजाना है, सबसे पहले ठा के लिए, ठा के लिए देखिए का दुगुना करेंगे, ठीक है, देखिए दुगुन दुगुन और चौगुन, गेस करते हैं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग कुछ कुछ देर रियाज करते हैं साथ में, आप भी रियाज करेंगे। यदि आप साथ में रियाज करते हैं तो
आप देख करके हमें रियाज करेंगे कि हम जैसे फिंगर को रखे हैं किस प्रकार से रखते हैं, उस प्रकार से आप भी रखेंगे फिंगर को। देख करके रियाज करने में जो कठिनाई आप लोग बिना देखे सामना करते हैं, उस कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख करके ही रियाज करें। देखिए, मैं आप लोगों को हर वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ देर समय देता हूँ, जो कि आप लोग देखते भी होंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग ज़रूर हमारे साथ रियाज करें। मैं जो भी वीडियो आप लोगों को बना करके देता हूँ, ठीक है, तो उसमें आप लोग कोशिश करें कि जो मैं आप लोगों को साथ में जा करके सुनाता हूँ, ठीक है, कहता हूँ रियाज करने के लिए, तो उसमें ज़्यादा आप ध्यान दें, ठीक है। यदि आप साथ में रियाज करेंगे तो आपका बोली भी आप बजा भी लेंगे और आपके तबले से क्लियरिटी भी आएगा, ठीक है। तो आप देख करके रियाज करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं था के लिए, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग दोगुन की लय में रियाज करते हैं, ठीक है।
अब इसे थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। देखिए इस प्रकार से आप लोग रियाज करेंगे। और दोस्तों पेशकार जो है ये मध्य लय की बोल है, ठीक है। पेशकार जो है मध्य लय में बजाया जाता है, मैं आप लोगों को रियाज के लिए बता दिया, लेकिन आप लोग ज़्यादातर इसे मध्य लय में रियाज करेंगे। ठा की लय में तो प्रथम करना ही करना है, ठीक है। ठा की लय के रियाज करने के बाद आप दोगुन की लय का रियाज अच्छे से करेंगे, ठीक है। हो सके तो चौगुन करेंगे, नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, चौगुन की कोई ज़रूरत पेशकार में नहीं है, ठीक है। पेशकार जो है वो मध्य लय में बजाया जाता है। तो गेस करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे से समझे होंगे दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ करें, शेयर करेंगे। और जो भी प्रश्न हो तबले से रिलेटेड, जो भी प्रश्न हो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। और जिस प्रकार का आपका प्रश्न रहेगा मैं उसी प्रकार से आप लोगों को जवाब दूँगा, तो आप लोग कमेंट जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।